हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन निकोडे। आज मैं आपको इस वीडियो में HE ग्रेनेड के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, हमने ग्रेनेड का नाम तो सुना है, हमने ग्रेनेड को देखा भी है सिर्फ मूवी में, लेकिन दोस्तों आज हम इसके बारे में फुल डिटेल्स जानेंगे। ये फटता कब है, इसमें किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, ये ग्रेनेड किस प्रकार का होता है, इन तरह तरह के जो डाउट्स आपके अंदर आ रहे, ये इस वीडियो के जरिए आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। खास करके NCC बी और सी साइड वाले कैडेट इस वीडियो को एंड तक देखिए। NCC की स्थापना कब हुई और NCC का इतिहास क्या है, इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप देख सकते हो। उससे पहले, आपने अभी तक मेरे चैनल मिशन NCC को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूले मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से ग्रेनेड होता है। आपको मैं इसके जो इमेज है वो दिखा रहा हूँ, देखिए इस तरह से वो ग्रेनेड होता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रेनेड के बारे में। ग्रेनेड एक बम की तरह होता है, यानी बम नहीं होता है, बम की तरह होता है। और ये जब जमीन पर गिरता है, गिरने के बाद दोस्तों उसके इतने छोटे छोटे बारीक टुकड़े हो जाते हैं, और वो टुकड़े हवा में उछल कर, अगर जब वो ग्रेनेड जहाँ पे फटता है उसके आसपास अगर कोई इंसान या कोई जानवर अगर होता है, वो टुकड़े उसको चुपते हैं जाके, और उसमें थोड़ा वो जो टुकड़े होते हैं उतने नुकीले होते हैं, यानी उतने धारदार होते हैं। आपको शेविंग करने का जो ब्लेड पता होगा, उसी की तरह वो इतने धारदार, उससे भी ज़्यादा धारदार होते हैं। यानी अगर आपको थोड़ा सा भी अगर टुकड़ा छुप गया तो आपको सिर्फ काट ही डालेगा, वो इतने धारदार होते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि HE ग्रेनेड, इसका पूरा नाम है HE ग्रेनेड, ये कहाँ पे इस्तेमाल और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है, एक हाथ से, हमने देखा होगा मूवी में जो हाथ से फेंकते हैं, और दूसरा है दोस्तों राइफल की मदद से। ये HE ग्रेनेड को राइफल से भी फेंका जाता है। तो किस राइफल से फेंका जाता है, आपको ये नहीं पता है, राइफल से फेंका जाता है तो हमें पता है, लेकिन किस राइफल से फेंका जाता है, तो दोस्तों उस राइफल का नाम है GF राइफल के थ्रू ग्रेनेड को फेंका जाता है। तो दोस्तों, HE ग्रेनेड के एक होता है ट्रेनिंग वाले, यानी जिसे सिखलाई वाले भी कह सकते हैं, यानी जब आपको आर्मी में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है तभी आपको प्रैक्टिस के लिए ये ग्रेनेड का इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद में ड्रिल प्रैक्टिस वालों के लिए, जब ड्रिल के समय आप ड्रिल प्रैक्टिस कर रहे हो तभी भी आपको इसके बारे में ग्रेनेड की प्रैक्टिस भी की जाती है। फिर सर्विस, शत्रु पर फेंकने वाले ग्रेनेड, जब भी युद्ध चला होता है, वार कहीं पे भी चला होता है, तभी इन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे HE ग्रेनेड की खूबियां, कि इसकी खूबियां क्या है। HE ग्रेनेड का जो वेट है वो 1 पाउंड 10.5 औंस है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इसका जो वेट है वो 1 पाउंड 10.5 औंस है। इसका जो इफेक्टिव रेंज है वो 9 यार्ड है डायमीटर में, 9 यार्ड तक। इसका अगर डेंजर जोन में अगर इसका जो रेंज माना जाए तो वो 300 यार्ड तक है डायमीटर में। और दोस्तों, अब ये HE ग्रेनेड का टाइमिंग क्या है, ये कब फूटता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो अगर इसे हम हाथ से फेंकेंगे, ये जो हैंड ग्रेनेड होता है वो 4 सेकेंड में फूटता है, और जो राइफल से फेंका जाता है उस ग्रेनेड का जो टाइमिंग है वो 7 सेकेंड का है। अगर आप हैंड से फेंकोगे तो 4 सेकेंड में ही वो फूटेगा, और राइफल के थ्रू आप फेंकोगे तो उसका जो टाइमिंग है वो 7 सेकेंड का है। दोस्तों, अब हम जानेंगे HE ग्रेनेड के पार्ट्स के नाम। तो इसमें ये पार्ट्स होते हैं, बेस प्लग, सेफ्टी पिन, स्ट्राइकर निपल, बॉडी, फिलिंग स्क्रू, सेंटर स्क्रू, साइड स्लीव, डिटोनेटर स्लीव, डिटोनेटर सेफ्टी फ्यूज़, इसी तरह के पार्ट्स होते हैं।
दोस्तों आशा करता हूँ आपको HE ग्रेनेड के बारे में पूरी जानकारी आपको समझ में आई होगी। आपके कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे YouTube पे कमेंट करके पूछ सकते हो। .22 राइफल के बारे में पूरी जानकारी आपने इस वीडियो को देखा नहीं है तो मैंने इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और दोस्तों NCC के रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल मिशन NCC को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।